नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गोल्डन इंडिया की इस प्रेस वीडियो में। दोस्तों यदि आप गोल्ड या गोल्ड की ज्वेलरी खरीदने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको हॉलमार्किंग चेक कर लेनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको वही जानकारी देने वाले हैं जो आपके लिए काम आ सकती है यदि आप गोल्ड खरीदने की सोच रहे हो। हॉलमार्किंग ज्वेलरी जो होती है वह खरीदने के क्या फ़ायदे होते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। हॉलमार्क वाले आभूषण खरीदने पर नकली सोना मिलने के चांसेस कम रहते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि हॉलमार्क वाले आभूषण बेचने पर ज्वेलर्स डेप्रिसिएशन कॉस्ट नहीं काटते हैं। आप जब भी गहने बेचने जाएंगे हॉलमार्क वाले, तो उसका जो वाजिब दाम होगा वो आपको मिलेगा। हॉलमार्किंग में सोने की अवैध खरीद फरोख्त पर लगाम लग सकती है, तो ऐसे में हॉलमार्किंग वाले गहने खरीदने के कई सारे फ़ायदे हैं जो आपको मिल सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि खरीदते समय किन चीज़ों की सावधानी रखनी ज़रूरी हो जाती है। दोस्तों जब भी आप सोने के गहने खरीदने जाएँ तो इन चीज़ों पर जरूर ध्यान रखना चाहिए। BIS रजिस्टर्ड सेंटर से कराई गई हॉलमार्किंग के तहत गहनों के हर पीस पर 5 तरह के मार्क छापे गए होते हैं। आप ध्यान से देख लीजिएगा। पहला है BIS का लोगो, दूसरा है फिटनेस नंबर यानी कि कैरेट का संकेत, तीसरा होता है मार्किंग सेंटर का लोगो और चौथे में जूलर का ट्रेडमार्क होता है। तो दोस्तों यदि ऐसे में सोना खरीदते वक्त यह जो चीज़ें हैं इनका बहुत ही ध्यान रखना जरूरी है जो आपके काम आ सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आएगी। इसी तरह की फ्रेश और न्यू अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल के आइकन को दबाकर वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।